Hey all, welcome back to the Art Talk again. Good evening, good afternoon everybody. Welcome to the Art Talk series by Sneha Arts. And this is one of the leading art galleries in South India. And as all of you know by now, because we've covered almost 14 episodes, and this is the 15th one. Dr. Snehalata Prasad is the art director, and you know, she is the art collector. And every year she conducts a lot of events around art and for the artists. So today we have eminent artist Mr. Ajay Sameer, who is joining us today, and he is well recognized, and his art got recognized in 90s. And his art basically talks about intellectuality. He is well known for his open mind artist. He is open to things. His art and paintings represent a very close representations between human beings. He touches concepts of God, nature, interconnected, and devotional sculptures of Hinduism. The best thing which I like is he also connects with well-known artists, poets, where he can translate their poems into art. And this includes Gulzarji, and he's also worked with Mr. Vajpayee, and he's converted their stories, their poems, how they perceive, he understand, closely works with them, converts that into an art. So it's an honor having you here, sir. Thank you for taking time out and joining the Art Talk. So can you tell us how did this background, did your family have a background, aapki family mein koi artist the, or kaise shuru hua ye journey? And friends, do feel free to ask questions, because sir yahan pe hai. If you have any questions during our questions, feel free to ask and we will ask him. Over to you, sir. फैमिली की जहाँ तक बात है, तो मेरे जो फादर साहब थे वो आर्मी में थे, और हम लोग उत्तराखंड से यहाँ दिल्ली काफी मेरे पैदा होने के बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए. तो हमारे पूरे खानदान में ऐसा कोई आर्ट का तो कोई ऐसा कोई माहौल था नहीं. Okay. और आई एम द फर्स्ट पर्सन जो आर्ट को बचपन से सीरियसली ले रहा था, और उसको पता भी नहीं था कि ये आर्ट होता क्या है. बस इतना पता था कि वो जो लाइनें आप लगा रहे हो वो बहुत सुकून देती है, और कहीं बुक्स के पीछे आप ड्राइंग बना रहे होते हो सिर्फ. और हमारे यहाँ एक खास बात थी कि जो जितने भी मेरे कजन्स थे, जो हमारे नीत जो हमारे फैमिली में थे, वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे. Okay. वो पढ़ने में सब बड़े अच्छे थे, और मैं थोड़ा पढ़ाई में शायद मेरा उतना दिल लगता नहीं था जितना किताबों के पीछे से ड्राइंग बनाने में दिल लगता था. तो ऐसे ही ये सिलसिला जो है ना, वो बस ड्राइंग करते करते वो शुरू हुआ. तो फैमिली में तो ऐसा नहीं था. ओके, सो कब शुरू हुआ आर्ट, एंड आपने किस से स्टार्ट किया योर फर्स्ट आर्ट? देखिए, आर्ट तो ऐसा लगता है कि वो जैसे हम लोग मेरे ख्याल से दुनिया में आते हैं वहीं से आर्ट शुरू हो जाती है. वो भले ही वो आप ऑब्जर्वेशन से आर्ट होती है ना, देखने से होती है, सुनने से होती है, समझने से शुरू होती है. तो मुझे इतना परफेक्टली तो याद नहीं करता पहली लाइन लगाते हो, लेकिन ये है कि वो इंटरेस्ट बड़ा शुरू से था, और वो धीरे धीरे वो डेवलप हुआ. और स्कूल डेज में मैं उतना अलर्ट नहीं था आर्ट के लिए. इनफैक्ट आर्ट के लिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, बट क्योंकि मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था एक्चुअली. बिकॉज वो जो बच्चे आपने देखा होगा पढ़ाई में अगर वीक हो जाए ना, तो वो दूसरी जगह पे भी उनको बड़ा तकलीफ होता है. तो मुझे अभी भी याद है जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे वो मुझे कहते थे कि भाई अजय तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है, और कल फला जगह कॉम्पिटिशन है और तुम आ जाना स्कूल और हम लोग कॉम्पिटिशन में जाएंगे. तो होता क्या था, मैं दो तीन दिन छुट्टी मार लेता था. मैं स्कूल जाता ही नहीं था. मुझे लगता था मैं एकदम डबल सा बच्चा स्कूल में पढ़ाई में, और मैं आज कॉम्पिटिशन में जाऊंगा और पता नहीं वहां पे बेइज्जती हो जाएगी और क्या होगा. तो कहीं एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होने में जरा वक्त लगा मुझे. और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरे कजन एक
बाल भवन जा रहे थे एक दफा। बाल भवन दिल्ली में बहुत अच्छा एक सेंटर है बच्चों के लिए जो आर्ट कल्चर के लिए बहुत ही काम करते, बड़ा उम्दा काम करते। तो मैं 10th क्लास मैंने जब एग्जाम दिए दिए थे तो उनके क्या कजन के यहाँ गया था, तो वो बाल भवन जा रहे थे तो मैंने कहा यार मुझे भी ले चलो थोड़ा बहुत मैं ड्रॉइंग सीखना चाहता हूँ। तो उनके साथ मैंने फर्स्ट विजिट किया बाल भवन में और वहां मैंने देखा इतना बड़ा एरिया है, फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसी जगह देखी थी जहाँ पे इतने सारे म्यूजिक डांस पेंटिंग सब कुछ वहां हो रहा है, स्केट्स हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं। तो मैं तो बड़ा फैसिनेट हुआ उनको देख के और फिर जैसे तैसे वो मैंने ज्वाइन भी किया। तो वहां जाके जब मैंने काम किया थोड़ा और फिर मैंने देखा क्योंकि वहाँ कई वहां तो एक एक बैच में 200-300 बच्चे होते हैं और उनके साथ जब आप काम करते थे तो आपको लगा कि सीरियसली डूइंग गुड। तो वो जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो बाल भवन में जाके 10th के बाद मैं कहना चाहता हूँ 11th क्लास वो वहां से बिल्डअप हुआ और मुझे एक चीज समझ में आ गई अब कि कुछ ना कुछ तो एक चीज है जो मुझे ड्राइव कर रही है और एक चीज तो ऐसी है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ इंजॉय कर सकता हूँ। और धीरे धीरे वहीं जो हमारे टीचर थे उन्होंने मुझे आर्ट कॉलेज दिखाया कि बेटा ये आर्ट कॉलेज है, वो ऐसे पैदल पैदल हम लोग जाया करते थे बाल भवन से मंडी हाउस को ले जाते थे त्रिवेणी आर्ट गैलरी और वो इतना खूबसूरत मतलब वो जो पहला विजिट त्रिवेणी का था वो एकदम ड्रीमी था और पहला विजिट कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली का मैंने जब वहां देखा तो वो तो मेरा ड्रीम कॉलेज हो गया था कि मुझे यहाँ आके पढ़ाई करनी, कुछ भी हो जाए तो हम पढ़ेंगे जरूर यहाँ। तो वो ऐसे बिल्डअप हुआ और फिर मुझे पता चल गया कि आर्ट ही करना। सुपर। फैमिली का बैग कैसे था रिएक्शन, क्योंकि उस टाइम में आर्टिस्ट मतलब अभी तो पेरेंट्स थोड़े यू नो ओपन माइंडेड हो गए हैं, यू नो थोड़ा एंकरेज कर रहे हैं बच्चे अगर आर्टिस्ट है, थोड़े लोग तो प्राउड भी फील होते हैं कि हाँ मेरा बेटा आर्ट करेगा वो IT में नहीं जाए, बट उस जमाने में बहुत बहुत डिफरेंट था। तो क्या क्या झेलने पड़े अजय जी को? जी उस जमाने में तो पूछे मत सर, वो बड़ा वैसा जमाना था कि वो तो हमारे जो जो मेरे ताऊ जी हम कहते हैं ना अंकल वो भी पिटाई करके चले जाते थे कि ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, ये किताबों के अंदर ड्राइंग बनाता है सारी, इसने नोट बुक खराब कर रखी है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, हमारे खानदान का इसने नाम खराब कर दिया है। और मैं लाख कोशिश करता था क्योंकि मेरी बड़ी बहन है वो टॉपर स्कूल में, वो और ज्यादा टॉर्चर रहता है, एक्सपेक्टेशन कंपैरिजन बहुत हो जाए। बेसिकली तो मेरे घर में कोई आता था तो मैं पीछे कमरे में चला जाता, पीछे कमरे में कोई, हमारा घर का सिस्टम ऐसा था कि आप ऐसे इस कमरे से इसमें चले जाओ, फिर किचन में आ जाओ, फिर बाहर आ जाओ, ऐसे सर्कल था। तो कोई इधर आता था तो मैं इधर आ जाता था, ऐसे घूमते रहे, किसी के सामने आते ही नहीं। तो वो टाइम तो क्योंकि वो शायद उस माहौल में उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं था और पेरेंट्स को भी लगता था बच्चा कुछ पढ़ लिख लेगा तो ये कुछ कर ले। मतलब पेरेंट्स अगर एग्री भी कर ले, ऐसे रिलेटिव्स और दोस्त रहते हैं जो घर खाली आपका टॉपिक लेके आते हैं तेरा बच्चा क्या कर रहा है और उनको जरा फ्यूल करके चले जाते हैं, मतलब जो पेरेंट डिसाइड भी हो गया वो कन्फ्यूजन में आ जाता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है कि ऐसा भी हुआ था जिसमें आपके पेरेंट्स हाँ हो गए थे, मतलब सेटल हो गया कि ये आर्टिस्ट बनेगा इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, बट बाकी रिलेटिव्स और यू नो दोस्तों ने आके मतलब काम बिगाड़ दिया पूरा, उनका दिमाग मतलब फिर से चेंज कर दिया। हाँ नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसमें हुआ क्या कि मैंने तो बताया ना मैं 10th क्लास तक तो सभी लोग बिल्कुल वो थे कि भाई ये बिल्कुल लड़का हमारा बिगड़ गया है और ये सारा दिन बनता है गाने गाता रहता है या फिर कविताएं लिखता है या कुछ नंदन और उस वक्त यही जो हमारे हमें मिल पाती थी किताबें वो पढ़ता रहता है, किताबें नहीं पढ़ता है। तो 10th के बाद जब मैंने बताया कि मैं बाल भवन गया तो उन्होंने मुझमें वो कॉन्फिडेंस वहां पे जाके आया और मेरे जो टीचर थे उन्होंने पद्मचंद जी उन्होंने जो कॉन्फिडेंस हमें दिया तो वहां से उन्होंने मुझे कॉम्पिटिशन के लिए वो किया मोटिवेट किया। तो मैं मुझे याद पहला कॉम्पिटिशन एक मैंने दिया काफी वो NGA नेशनल म्यूजियम है उसमें था
तो उसमें बाई चांस मैं पहले कंपटीशन था और मुझे वो फर्स्ट प्राइज मिल गया उसमें, और उस जमाने में वो 500 रुपीज थे, पर प्राइस में वो एनवायरमेंट मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने वो दिया था। तो पापा जी तो बड़े खुश थे हमारे, तो पहली बार मैंने फादर को बड़ा हैप्पी देखा। और वो फंक्शन में गए, टिक्की में वो अवार्ड फंक्शन था, अच्छा मतलब वो रेप्यूटेड बच्चों का था। और वहां से वो अखबार में उन्होंने थोड़ा मेरा नाम छप गया, और उसके बाद वो मेरे को प्राइजेस मिलने शुरू हो गए। और एक प्राइज मुझे 11th के एंड तक मिला, जो कलश रिकॉर्ड है, और जो प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, तो उस जमाने में राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया, और वो फ्रंट पेज की न्यूज थी नेक्स्ट डे। सुपर। और तो फिर उसके बाद कभी किसी को कोई मौका नहीं लगा, उन्हें लगा ये सबसे अच्छा है, तो ऐसा कभी मौका आया नहीं। वो जो टाइम था वो 10th तक था, उस टाइम तक थोड़ी दिक्कत थी, घर में भी थी, बाहर से भी प्रेशर था भाई पढ़ो तुम, उसके बाद कभी प्रेशर स्कूल से भी नहीं आया। वो एक रिकग्निशन के लिए वेट करते हैं, बट तभी अब डिक्लेरेशन हो जाता है सभी को कि ये कर रहे हैं, मतलब दिस इज द टैलेंट ही इज चोजन। आई थिंक वो मोमेंट के लिए। सो वी हैव सर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं बीच में। हाय हेलो फॉर यू फ्रॉम शरद भरद्वाज, रजनी शर्मा, मेहंदी शॉ, भारती यादव, वीना शर्मा, सो देर ऑल सेइंग, अनीता कुमारी, देर ऑल सेइंग हेलो टू यू। सो थैंक यू, थैंक यू। एंड शीतल, हेलो सर, हैप्पी टू सी यू, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, दिस इज़ फ्रॉम शीतल नंदन। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड वी ऑल्सो हैव वन कमेंट फ्रॉम एम टी बोयाज बेटी। शी बेसिकली सेज दैट्स अ ड्रॉबैक इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, नोबडी अंडरस्टैंड्स द कैलिबर एंड इंटरेस्ट ऑफ ए चाइल्ड। एंड आई ऑल्सो यूज टू डू डूडलिंग इन माई स्कूल स्कूल कॉपी एंड दी नोटबुक, एंड आई लव ड्राइंग एंड आर्ट। सो दिस इज़ फ्रॉम बेटी। थैंक्स, थैंक्स बेटी फॉर ज्वाइनिंग इन। सो कैसा, वॉट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी फ्रॉम चाइल्डहुड? वो 500 रुपये जो पहली आपको मिली थी वो आपने सेव किया या खर्च हो गई? मतलब उस टाइम में बुक्स पे लगा के हम लोग ऐसा डिसाइड हो गए थे ये मेरा पहला कमाई है, या और बाई समथिंग विच इज मेमोरेबल, लाइक आई बॉट माई फर्स्ट प्राइज, आई बॉट अ वॉच दैट टाइम, टाइटन का कुछ था वैसा, ऐसा कुछ? तो मैं तो वो जो 500 रुपीज थे तो मेरे तो पांव जमीन पे थे ही नहीं उस दिन, तो मुझे लग रहा था मेरा बॉडी एकदम बहुत लाइट हो गया है और मेरे से चला नहीं जा रहा था। तो वो 500 रुपीज मैंने, उसमें कैश थे, लिफाफे के अंदर कैश था वो, तो मैंने मेरे फादर को वो पैसे पकड़ा दिए, पापा जी ये 500 रुपीज है इसके अंदर। तो फादर ने मेरे वो पैसे लिए और वो मंदिर में उन्होंने टच करके और मुझे वापस कर दिए, वाह, नाइस। और वो मेरे लिए बहुत वो एक वो बहुत बड़ी लर्निंग भी थी। वो मैं आज तक फादर की वो चीज भूलता नहीं हूँ, अब तो वो रहे नहीं, पिछले 1.5 साल पहले वो चले गए थे। तो फादर ने मुझे वो 500 रुपये दिए, और उस 500 रुपीज से मैंने पता नहीं कितनी चीजें खरीदी। मुझे ड्राइंग बोर्ड का बड़ा शौक था, जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं ना जिसमें हम लग के ड्रॉइंग, तो मैं कॉम्पिटिशन में जाता था, तो हमारे पास ड्राइंग बोर्ड नहीं होता था, तो हम नीचे दरी में शीट रख के बनाते थे। तो सबसे पहले तो मैंने ड्राइंग बोर्ड बाजार से जाके खरीदा, और मैंने अपनी लाइफ का पहला कैनवस भी उसी से खरीदा, और ऑयल कलर खरीदे, उसके ब्रशेस खरीदे। और उन दिनों मेरी बड़ी सिस्टर को कुछ फीस का प्रॉब्लम था, तो थोड़ा हमारा फाइनेंशियल घर में प्रॉब्लम था, तो मेरी बड़ी सिस्टर को उसमें से कुछ पैसे उनकी फीस में भी चले गए, और कुल मिला के उस पैसे का इतना इस्तेमाल हुआ। वो मैं मुझे अभी वो पैसे याद है, बाकी कभी के याद नहीं रहा मुझे कुछ। एंड रियल प्राउड मोमेंट है, मतलब बाकी खरीदने का ठीक है, मतलब वो सिस्टर को हेल्प जो किया उसका मतलब वो भी हाँ, और वो बड़ा अच्छा था, वो कभी भूल नहीं सकते उस 500। सुपर। सो आपके रियल लाइफ इंस्पिरेशन क्या है, मतलब एंटायर जर्नी, ये जब किक स्टार्ट हुआ आपको रिकग्निशन मिलता गया धीरे धीरे, तो इसमें इंस्पिरेशन कैसे आया आपको? हाँ, इंस्पिरेशन की बात करें तो देखिए, जो पहला इंस्पिरेशन अगर मैं कहूँ तो मेरे एक रिलेटिव ही थे जिन्होंने एक दफा ऐसी
न्यूज़पेपर की कटिंग में मुझे हुसैन साहब का एक आर्टिकल दिखाया और उन्होंने मुझे बताया कि ये आर्टिस्ट हैं और ये इस लेवल के आर्टिस्ट हैं, इनके प्राइजेज ये होते हैं, ये ऐसा करते हैं, मतलब उनका फीडबैक मुझे बताया। और क्योंकि मैं ड्राइंग का शौकीन तो था ही, तो वो इतना क्लिक कर गया कि आपको लगा कि ये जब ये कर सकते हैं तो शायद हम भी कुछ कर सकते हैं। वो कहीं आ तो सही बट दबा हुआ था, पढ़ाई के चक्कर में वो कहीं दबा हुआ था। ट्रू पहला तो मैं ये बताना चाहता ये एक स्टार्ट होता है जब बच्चे के मन में कुछ ऐसा आ जाए, वो भी कुछ ऐसे धीरे धीरे वो कुछ कर सकता है और धीरे धीरे फिर वो लोग मिलते जाते हैं, कार्य बढ़ता जाता है। मैंने पता है जैसे मैं 11th के बाद से जो मैंने वो जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स थे और वो जो उनके प्राइजेज और अवार्ड थे, कलाश्री अवार्ड तो चलो वो एक अच्छा रेपुटेड अवार्ड होता है बच्चों के लिए, वो हर फील्ड लिटरेचर में, सिंगिंग में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, पेंटिंग में मुझे मिला था उस साल। लेकिन वो जो छोटे अवार्ड्स हैं वो आपको आपके लिए तो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपको बूस्टअप करते हैं, वो कॉन्फिडेंस पैदा कर देते हैं उनके और ज्यादा कर अंदर, सकते तो हैं। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है वो स्टेज पे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और शायद कॉन्फिडेंस के अलावा आप ये भी जान पाते हो कि आप कहाँ पर हो। एग्जीबिशन जैसे हम शो करते हैं तो एग्जीबिशन करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ अपना काम दिखाता हूँ, एग्जीबिशन करने का मतलब ये कि होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और जब हमारा काम स्टूडियो में होता है और जब हमारा काम गैलरी में डिस्प्ले होता है तो गैलरी में जाने के बाद अलग लगता है, घर में अलग लगता है। गैलरी में जाके पता चलता है कि इसमें आपने क्या क्या कमियां की हैं, कितना इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, अभी आपको कितने पापड़ और बेलने हैं, ऐसा कितना कठिन है। So we have Suresh Hans saying hi Samir, love you brother, and Rajesh Dugal glad for watching. Rajesh Dugal is saying that's so wonderful to hear. Bharatiya Sabhyata and you too addressing Indianness in your subtle manner in your works. So happy for you. So this is from Rajesh Dugal. So जल्दी बहुत बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। और मेरी मेरे तो कंप्यूटर नहीं है, उनके पास मेरी पेंटिंग्स हैं बहुत सारी, तो वाह, जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमेशा प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं बहुत सारे। सुपर, थैंक यू दुगल साहब फॉर यू नो सपोर्टिंग आर्टिस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका करियर कब शुरू हुआ, व्हेन डिड यू डिसाइड ओके ये पैशन है मेरे को, आर्ट आता है, कॉम्पिटिशन्स में जीत रहा हूँ, बट आई वुड चूज दिस एज माई करियर, ये कब शुरू हुआ एंड हाउ वॉज द जर्नी? हाँ, एक्चुअली मैं जब मुझे मेरे बाल भवन के टीचर ने वो त्रिवेणी दिखाई थी तो मैं तो उस दिन से ये हो गया था कि मेरा शो कब होने वाला है यहाँ पे। और मैं काफी बिजी था स्कूल डेज से और लगातार उन दिनों मैं वाटर कलर ज्यादा कर रहा था, वाटर कलर लैंडस्केप्स में वो ट्रैवल करता रहता था। 11th के बाद से मैंने काफी ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, तो उस जमाने में तो जहाँ रिश्तेदार होते थे वहां चले जाते थे। और क्योंकि मैं बिलोंग भी करता हूँ गढ़वाल से, उत्तरांचल से, तो वो भी एक मेरे लिए बड़ा अच्छा प्लेस था, तो वहां मैंने काफी काम किया, दिल्ली में किया। तो जब मैं कॉलेज में आया था फर्स्ट ईयर में, तो मैंने जो लैंडस्केप्स, मेरा जो पहला टूर था ये नैनीताल का टूर था, और नैनीताल के ऊपर मैंने सीरीज की। और सेकंड ईयर मैंने बहुत जल्दी शो शुरू कर दिए थे, सेकेंड ईयर में मेरा पहला शो हुआ त्रिवेणी में हुआ, वो बाई चांस मुझे वो त्रिवेणी मिल गई और बहुत अच्छा हुआ। और उस शो में वो ओपन भी डीसी साहनी साहब ने किया, साहनी साहब बहुत बड़ा आर्टिस्ट है इंडिया के। और जिस टाइम पे मेरा ओपनिंग की डेट थी उनका ललित कला, उनका 90th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और ललित कला का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, और वो हमारी मेरे साथ गैलरी में बैठे थे बच्चों के साथ, क्योंकि मैं कॉलेज में था, कॉलेज की तो पूरी भीड़ थी वहां पे और सबने सान्याल साहब को घेरा हुआ था। और वो वहां ललित कला से बार बार लोग आते थे, सर वेट कर रहे हैं वहां पे, तो उन्होंने बहुत टाइम हमारे साथ बिताया। तो अब तो वो है नहीं, काफी टाइम पहले से, बट वो यादें, वो बहुत जल्दी मेरा शुरू हो गया।
कब आपको लगा कि ये पेंटिंग के इतने पैसे भी मिलते हैं? कभी आपके गुरुजी टीचर जो एग्जीबिशन में मिले थे, सर इसका कॉस्ट कितना होगा, ये क्वेश्चंस कुछ याद है जब पहले किसी की पेंटिंग की आपको रेट पता चली थी? देखिए, सुना तो था, क्योंकि जब मैं आया 11 से आर्ट में, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जब ज्यादा हुआ तो फिर वो बहुत डीपली हुआ, और जो मेरे टीचर थे पदम जी, वो हमेशा लेके जाते थे और बताते भी रहते। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि उन्होंने हमें आर्ट न सिर्फ सिखाया बल्कि वो उस टाइम पे हमें लेके भी जाते थे साथ में, कि पेंटिंग को समझाते भी थे कि ये क्या कर रहा है, तुमको क्या करना है। वो सुनते तो थे, लेकिन ऐसे लगता नहीं था कि आपका पेंटिंग ऐसे महंगा बिक सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या तब थी जब मेरा पहला शो हुआ, इसका प्राइस क्या रखना क्या लगे? चाहिए। हाँ तो उस टाइम पे, उस जमाने में, वो मतलब 91 की बात है, और मुझे समझ नहीं आता था, तो वाटर कलर्स थे, तो और प्राइस भी उस समय काफी कम होते थे। तो मैंने, मेरे ख्याल वो 5-7 हजार, 10 हजार, 15 हजार, इस तरह के वो रेट्स थे। और कमाल की बात है कि उस दिन क्या था कि हमारे पास लैंप नहीं था जलाने के लिए, ओपनिंग के लिए, और मैं चाहता था कि जो सान्याल साहब है, लैंप जलाए। लैंप मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था, किसी किसी दोस्त के पास भी नहीं था। तो अब हुआ क्या, सुबह से हम पेंटिंग या डिस्प्ले कर रहे थे, और उसी वक्त दो पेंटिंग सेल हो गई। एक कोई इनकम टैक्स ऑफिसर थे, वो उन्होंने विजिट किया और उनको पसंद आ गया और उन्होंने मुझे एडवांस पैसे दे दिए। तो सुपर, अब तो मेरे को तो एकदम ओपनिंग से पहले ही पैसे मिल गए। तो वो मैंने अपने दोस्त को, मेरे कॉलेज के दोस्त थे मुकेश, उनको मैंने कहा तो एक लैंप लेके आया। ओ तो सुपर, उन्होंने ओके। सो पहले जो एडवांस मिला था उससे आपने लैंप खरीदी, लैंप खरीदा, सुपर, और लैंप खरीद के तो वो लैंप ही जलाया उन्होंने। गुड वन, दिस नाइस एक्सपीरियंस, और वो एक मेमोरेबल चीज है। सुपर। सो सुरेश हंस जी बोल रहे हैं, समीर जी आपका वाटर कलर भी बहुत अमेजिंग है, आजकल आप इलस्ट्रेशन के तरफ स्विच ऑन हो गए हैं, इस तरफ आने का सबब क्या है, क्या रहा? हाँ, सो वाटर इलस्ट्रेशन से थोड़ा, कलेक्ट वाटर कलर से इलस्ट्रेशन की तरफ आप आ गए हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। जरूर। तो वो एक्चुअल में वो इलस्ट्रेशंस नहीं है, वो ड्राइंग्स हैं। तो ओके, एक थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, तो इट्स अ ड्राइंग, जो मैं बनाता हूँ वो ड्राइंग है। तो मैंने आपको बताया ना, स्टार्ट वाटर कलर से ही किया था। मुझे वाटर कलर बहुत फैसिनेट करता है, और कहते भी हैं कि बड़ा टफ मीडियम है, बट बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है उसमें, बहुत मजा है मीडियम में। मैंने बहुत एंजॉय किया उसको, और उसमें साइजेस भी बड़े जो थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं। और लेकिन वाटर कलर तो मैं करता रहा, लेकिन कहीं एक शुरू से ही, जैसे मैंने कहा मैं थोड़ा जल्दी में था, शुरू से ही थोड़ा जल्दी, मुझे लगता था मेरा एक स्टाइल भी होना चाहिए, ओन स्टाइल। ओन स्टाइल क्या होता है? तो पेन वर्क मैं बचपन से ही, क्योंकि आप पेन बहुत इजीली मिल जाता है और सबसे सस्ता होता है, पेन खरीद लो, बॉल पेन, और लगे रहो उससे, आप कितना कुछ आप क्रिएट कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल थिंग, पेपर कोई भी मिल जाता है। तो पेन मेरे साथ हमेशा शुरू से बचपन से ही जुड़ा रहा, पहले कम होते थे बट हम पेन ड्रॉइंग करते। तो फर्स्ट ईयर भी एक्चुअली, जब मैं बीएड से फर्स्ट ईयर में था कॉलेज, तो मैंने ड्राइंग शुरू की। लेकिन जो फर्स्ट ड्राइंग थी वो मुझे लग रहा था कि ड्राइंग में कोई काम नहीं कर रहा है और मुझे ड्राइंग में काम करना चाहिए, और लोग ड्राइंग में जो काम कर रहे हैं वो छोटे लेवल पे कर रहे हैं, स्मॉल साइज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसको, साइज को ब्रेक करके बड़ा करना चाहिए। तो मैंने 6 फीट के दो काम बनाए, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रॉइंग, 6 फीट के। थोड़ा पेपर का उस जमाने में प्रॉब्लम था, पेपर को जोड़ के करके और वो बनाया। तो वो मेरी एक्चुअली आइडेंटिटी थी, वो ड्रॉइंग मेरी आइडेंटिटी है। उसमें मैं झलकता हूँ, मेरी जो सोल है वो नजर आती है, उसमें मेरा रिफ्लेक्शन आता है, वो मेरा एक इजाद की हुई एक फॉर्म है। और वो जो मैं बताऊं, जो वो शुरू के मेरे जो फर्स्ट ईयर के जो दो ड्राइंग्स थे, वो सतीश गुजराल जी ने मॉडर्न आर्ट गैलरी के लिए परचेज भी कर लिए। उसका एक ज्यादा इम्पैक्ट हुआ उन ड्राइंग्स का, कि वो इतने डिफरेंट लगे सबको और इतना अप्रिशिएट किए थे सतीश गुजराल साहब ने वो मॉडर्न आर्ट गैलरी के लिए।
बेसिकली सुरेश जी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो एक आप अपनी आइडेंटिटी को खोजते हैं, एक एक टाइम होता है जब आर्टिस्ट अपने आप को खोज रहा होता है। ड्राइंग इज द स्किल, तो आप स्किल के साथ कहीं अपने आप को तलाशते हो और अपने आप को ही बनाने की कोशिश करते हो। आप हो क्या, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि मैं समीर हूँ? आप में ड्राइंग देखोगे तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ये समीर। True. So for the audience and friends who are joining or you know friends join हो रहे हैं ये show के लिए जिन्होंने समीर साहब का अभी तक art नहीं देखा, so let me play a short video of his collection and then we'll again get back to the questions. So we have a question from Veena, so just a short video before we get there. Okay, friends, so that's the artwork, complete collection of, you know, Ajay Samir sir. So, beautiful paintings, wonderful. I mean, I think one of the paintings recently, I mean, if you ask my this thing, you know, some of those black and white paintings, first time I'm seeing light in a painting. So, there is a shadow, there is also light which, you know, you can clearly see. So, people can just rewind and check that out if you could observe that. But sir, बहुत सारे questions आ रहे हैं. We'll also ask you about you know why Sonu Sood, why what happened with you know what is the meaning behind that particular painting which you gifted to Sonu Sood, and why did you choose to gift him? इसके पीछे एक मेरा एक अपना incident है actually.
मैं ये जिन दिनों लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसके एक आध हफ्ते मैं कुछ के लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए मुझे जाना था और मेरे घर के पास से ही वो हाईवे जाता है, मैं उसी रोड पे था और थोड़ा वो मेडिसिन दूर मिलती है। मैंने देखा वहां पे बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो जा रहे हैं, शुरू में मुझे समझ नहीं आया क्यों जा रहे हैं। जब मैं आगे गया तो पूरी कतारें थी और मुझे फिर समझ आ गया ये तो माइग्रेंट्स हैं जिनको मैं रोज टीवी में सुन रहा था न्यूज में। और मैं आपको बताऊं कि वो मेरा दिल उस दिन इतना मतलब आप इतने टच्ड हो गए थे, इतने आप परेशान और इतने विचलित हो जाते हो और मेरे पास एक हिम्मत नहीं थी कि मैं तीन आदमियों को अपनी गाड़ी में बिठा के और जहां तक मैं जा रहा हूं वहीं तक छोड़ दूं। पता नहीं क्यों मैं परेशान तो था लेकिन मैंने किया कुछ नहीं। वो रिग्रेट मुझे आज भी है कि मैंने शायद मैं तीन लोगों को वो 10 किलोमीटर तो छोड़ ही सकता था। तो वो जो मेरा रिग्रेट था जब मैंने सोनू सूद को देखा, उनके जितने भी जो वीडियोस थे जो टीवी में वो फ्लैश हो रहे थे, तो मुझे अपनी वो जो घटना थी वो कहीं जहन में कहीं आ गई थी। और वो जो अपने लिए तो रिग्रेट था लेकिन सोनू के लिए एक मन से एक जो रेस्पेक्ट जो पैदा हो गई वो शायद मेरी उस घटना की वजह से 10 गुना ज्यादा थी। तो वो एक सैल्यूट था, वो ड्राइंग एक सैल्यूट था। तो मैंने वो ड्राइंग शुरू की और नया काम मैं घर से ही काम कर रहे थे तो मुझे बस वो एक सब्जेक्ट था मेरे लिए और मैंने तब ऐसा सोचा नहीं था, वो एक सब्जेक्ट था। मैंने एक पेंटिंग एक ड्रॉइंग मैंने क्रिएट किया 3x4 पेज का ड्राइंग था और उसके बाद फिर मुझे लगा इसको इसकी सही जगह पे भी दे देना चाहिए। और बस वही के कारण था कि मुझे लगा कि ये जो सैल्यूट है ये मैंने सैल्यूट किया उनके उस काम को जो हम लोग कई बार हम लोग इतने वो हो जाते हैं कि हम एक छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन करने में कहीं पीछे हट जाते हैं, हालांकि चाहते बहुत लोग हैं लेकिन उसको परस्यू कितने लोग कर पाते हैं। एज एन आर्टिस्ट और सक्सेसफुल आर्टिस्ट उन्होंने वो काम करके दिखाया जो काम बहुत सारे हम जगह में देख रहे हैं नहीं हो पा रहा है। लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक अकेले इंसान ने वो काम किया और मिलना भी चाह रहा था और मिल के बात भी करना चाह रहा था। तो मैं उनके घर गया, बातचीत हुई और तो मेरे साथ एक यात्री भी इन्वॉल्व हुई, उनका भी उसमें हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन था, हम दोनों ने मिलके वो पेंटिंग कॉन्ट्रीब्यूट किया और काफी ढेर सारी बातें की। और जो मैं पूछना चाहता था उनसे वो सोनू सूद जी ने मुझे खुद बताई कही हमारे 2.5 घंटे की मीटिंग में, उन्होंने मुझे वो सारी चीजें बताई, अपने वीडियो पे दिखाई, फोन पे दिखाई, बहुत सारी चीजें थी जो मैं खुद पूछना चाहता था कैसे हुआ क्या हुआ। वो उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने अपने आप ही मुझे बहुत सारी चीजें शेयर की और शायद वो भी शेयर की जो मुझे पता नहीं था। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि पेंटिंग लिखना और पेंटिंग मार्केटिंग करना और पेंटिंग कभी भी देखो कितना भी महंगा भी है, जो हमने शुरू में चर्चा करी पेंटिंग के प्राइस पे, लेकिन पेंटिंग और पेंटर ये दो बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमैनिटी से तो टच होते नहीं और हम जान ही जाते हैं। शायद संसार में कलाकारों को रिस्पेक्ट ही इसलिए मिलता है जो शायद किसी बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं होता, जो वो जो रिस्पेक्ट होता है वो उस रिस्पेक्ट का कदर करना भी बहुत बड़ी चीज है शायद। या थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, बिकॉज आपने सही बोला है क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया हाईलाइट नहीं करती। और जब सोनू सूद जी ने ये इनिशिएटिव लिया था, बहुत लोग का यू नो कमेंट्स आए थे सोशल मीडिया की, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो इनसे भी बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कुछ नहीं किया बट इन्होंने कर दिखाया। सो या दैट्स अ वेरी ग्रेट एफर्ट एंड आपने जो सिग्नेचर उनको दिया है, आई थिंक दीज आर वेरी इंस्पिरेशनल थिंग्स, यू नो, मोर देन awards, this is a token of salute which you have given it to him. I mean through public jo aapne kiya, it is not from Ajay Samir, ye aapne hamare sab ki taraf se aap unko gift kiya ki taraf se tha actually, bilkul isiliye mere sath gallery bhi thi, hum ek art community ki taraf se unko salute kar rahe hain। superb।
I really appreciate that initiative. Okay, the next question is from Veena Sharma. What is the importance of spiritual and traditional impact in painting? Please tell, because I can see a lot of impact in your artwork. This is from Veena Sharma. Spiritual and? Spiritual and traditional impact. Traditional impact, हाँ जी. देखिए जो पेंटिंग है मैंने जब हम आप बात कर भी रहे थे कि पेंटिंग एक किसी कॉज के लिए होता है, किसी मैसेज के लिए होता है. और ट्रेडिशंस में क्योंकि आप बचपन से किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हो और उसी में जीते हो. जो हम संस्कारों की बात करते हैं, हम अपने आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आइडियोलॉजी भी हमारे हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से आते हैं. एक्सपीरियंसेस हमारे रिलीजन से, हमारे जितने भी गुरु हुए, जो हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वहां से क्रिएट होते हैं. आप देखें इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके आपके आपके, आपके दिलो दिमाग पे और आपके सोच पे. और जब ये चीज आप उसको महसूस करते हो, अब एक चीज आपने महसूस की और महसूस करने के बाद इंटरप्रेट क्या किया, उसको निकालना भी तो होता है. मैंने क्या महसूस किया, मैंने सूरज देखा उगते हुए. अब मैंने सूरज देखा और सिर्फ वो मेरे अंदर रह गया. अब मैंने सूरज देखा और उसको पेंट कर दिया. अब मैंने सूरज देखा और सूरज उगते हुए सूरज को देख के कविता लिख दी कि मैं क्या सोचता हूँ इस उगते हुए सूरज को देख के. तो ये जो ट्रेडिशंस हैं और माइथोलॉजी हैं, स्पिरिचुअलिटीज हैं, इनसे जो आप चीजें समझ पाते हो, जो देख पाते हो, जो गाइडेंस आपको मिल पाती है. और ऐसा भी नहीं है कि आप सारी चीजों को ही फॉलो करते हो. बहुत सारी चीजें ऐसी उनको आप उनको नकारते भी हो. आप जरूरी नहीं है हर चीज एक्सेप्ट करता हूँ हर चीजों को. तो मेरा एक्सेप्ट ना करने का भी एक वे है. मैं अपनी पेंटिंग्स में उन चीजों को लेके आऊंगा, या जो मैंने एक्सेप्ट किया तो वो क्यों किया, तो वो मेरे काम में रिफ्लेक्ट होगा. तो वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशंस हैं और रिचुअल जो आप बात कर रहे हो, तो वो आपके तरीके से निकल के आता है यदि आप उसमें इन्वॉल्व हो. तो ये इन दोनों का बड़ा ही आपस में बड़ा जो हम कहते हैं ना कनेक्शन बहुत ज्यादा है. और एक आपने मेरी पेंटिंग्स में तो खासतौर पर आपने अभी बात की लाइट की, लाइट तो मैं ये भी बताऊं आपको कि जो लाइट है वो इनलाइटमेंट के लिए है. मेरी पेंटिंग में एक ड्रामेटिक लाइट क्रिएट होता है. मैं पेंटिंग में ड्रामा थोड़ा सा क्रिएट करता हूँ, तो उसमें लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. और वही ड्रामेटिक है और वही इनलाइटमेंट है. तो जहां पे इनलाइटमेंट है, जहां पे पीस है, जहां पे लव है, जहां पे शांति है, वहां पे वो लाइट आती है. और जो लोग प्रकाशमान होते हैं वहां पे वो जाती है. तो अगर पूरी ड्रॉइंग्स को आप देखें तो वहां पे लाइट शेडोज, ग्रे टोन्स, लाइट टोन्स, डार्क टोन्स और ब्राइट, वो एक प्लेन ड्रॉइंग करता है जो खाली सब्जेक्ट्स के साथ वो दोनों चीजें मिलकर आप व्यूवर्स को दिखाते हैं. Superb, superb. I really love the depth. Depth बहुत अच्छा है उसका. So आपका professional goal क्या है? What is that next thing which you want to achieve professionally as an artist? Professionally तो देखिए goal तो full stop होता है. तो goal तो art में I think कि goal नाम का शायद मुझे लगता है goal ऐसा कुछ होना चाहिए. हाँ आपके topics हो सकते हैं. जर्नी का नाम है. तो आप इस जर्नी में हमेशा शामिल रहो और नए नए जो टारगेट्स हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं, उनको मैं छूता करूँ. जो जो मैं सोचता हूँ काम करने के लिए, अभी मेरा बड़ा मन है कि मैं जो मेरा होम टाउन है उत्तराखंड में, वहां के लिए मैं काफी एक साल से मैं काफी सोच रहा हूँ और मैंने उस पर वर्कआउट शुरू किया है. धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं. वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, वहाँ के जो हमारे वो अभी तक ज्यादा बाहर नहीं है. और हम लोग भी क्योंकि उत्तराखंड को छोड़ छोड़ के सब शहरों में आके बस गए, क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं, ज्यादातर उस एरिया में इनकम के सोर्सेज नहीं. तो लोग इस वजह से हमारे जो फादर साहब थे वो भी इस तरफ आए, सब लोग हमारी फैमिली आई. तो लेकिन वहां का जो ट्रेडिशन है वो बहुत रिच है और
देवों की नगरी कहते हैं उनको, और हम सब देवों की नगरी छोड़ के यहाँ आए, तो वो मेरा एक बड़ा मन है। तो वो रिसेंटली शायद मेरे जो एक दो जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ उन टॉप्स में वो ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉप है। तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम शिरीषा माय वाइफ, शी सेज टू गुड सर जी, आई मीन बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क। बेटीज अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू गेट सच आइडियाज एंड इंस्पिरेशन? ओ जी, आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, ये जैसे आपसे बात हो रहा है तो ऐसे आ जाता है, और सम टाइम ड्रीम्स में आता है मुझे, ड्रीम्स में मेरी पेंटिंग्स होती हैं, मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने अपने ड्रीम्स को बहुत पेंट किया, और एक अगर मैं अपने आप को, अगर मेरे सब्जेक्ट्स को मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं सब कॉन्शियस को पेंट करने वाला आर्टिस्ट, मैं कॉन्शियसनेस से ज्यादा अपने सब कॉन्शियस को पेंट करता हूँ। तो मुझे पता नहीं, मैं लेखक नहीं बना पाता, मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाता, मैं इंटरव्यू देता हूँ मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकता इसकी, मैं कुछ भी कहूंगा वो इंस्टेंट होगा, वो सबकॉन्शियस से जो बाहर उसको जितना आना होगा वो उतना आएगा। तो जब मेरे सामने एक शीट होता है, एक पेपर होता है, मैं पेपर पे ही ज्यादा काम करता हूँ, जो पेपर होता है उसको जब मैं छूता हूँ तो उसको ब्लैंक पेपर, ब्लैंक कैनवस, उसके बाद वो जो संवाद शुरू होता है पेपर और मेरा, और वो सबकॉन्शियस माइंड से कुछ चीजें निकलती हैं, और वो सब्जेक्ट पर निकलता है, वहां से आता है, और फिर वो ऐसा बहुत रेयर होता है। जैसे हमने पोइम्स पे काम किया तो वो एक टेक्निक आपके पास है, लेकिन उसमें भी मैं एक बात कहूंगा कि उसमें भी आपको बनाना है। मैं पोइम को इलस्ट्रेट नहीं करता हूँ, इलस्ट्रेशंस और ड्राइंग्स, पोइम्स में एक सब्जेक्ट में किसी पोइट ने बात की और उसी सब्जेक्ट में मेरे क्या पॉइंट हुए, सब्जेक्ट सेम रहेगा लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं, मेरे जो सिंबल्स हैं, वो मेरे तरीके से आएंगे, पोइट के तरीके से उनके उनकी भाषा में, उनके शब्दों में आएंगे, तो वो हम लोग फिर जुगलबंदी करते हैं। So, since we are in this topic, so Gulzar sir ke poems or you know aapne unko convert kiya hai aur Vajpayee sir ke saath jo kaam kiya hai, so maybe you can talk a bit about that. Gulzar sir, pehla to maine Vajpayee sir ke saath kaam kiya tha, jab Vajpayee sir PM the to wahan wo pehla show tha mera poems ke, aur main train mein travel kar raha tha aur achanak se main bola mujhe dreams mein kuch cheezein aati hain, तो मैं सोया था और मैं उठ गया था, और जब मैं उठा पंजाब से दिल्ली आया था, रात का सफर था, तो मेरी नींद खुल गई और मुझे लगा कि पोइट्री पे काम करना है, और वो नई नई किताब थी मेरी ज्ञापन कविता है, और मुझे लगा इट्स अ नाइस थॉट, और मुझे पहले किताब पढ़नी चाहिए, और मैं घर जाने से पहले मुझे लगा किताब मिलेगी कहाँ, तो एक ख्याल आया कि वो बुक जो है मुझे मिलेगी बीजेपी के दफ्तर में अशोका रोड पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मेरा इससे प्रीवियसली मैं ये सब चीजें जानता था, मीडिया में काम करता था, मैंने स्कूलिंग कॉलेज में पहले कार्टून्स बनाता था, इलस्ट्रेशंस करता था अपनी पढ़ाई करने के, और जो भी घर में जो भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता था मुझे, तो मैं अशोका रोड से वापिस था और बीजेपी का डर ले, और ये तो मैं वहां गया और वहां पे मुझे मालूम था वहां एक बुक शॉप है, उधर नहीं था, और मैंने वो एक बुक खरीदा, वाजपेयी साहब का मुझे ज्ञापन कविता मिल गया, और मैंने घर आके पढ़ा, और वो पढ़ने के बाद ही वो क्लियर हो गया था कि ड्रीम एकदम सही है और इस पे काम करना है, और मैंने दो तीन पेंटिंगें शुरू की, उसके बाद वाजपेयी साहब के साथ मैंने चिट्ठियां उनको लिखी और उनके साथ मेरा कॉन्टेक्ट हो गया, बातचीत शुरू हो गई हमारी, और इंसान भी, मैं तो हमेशा उन्हें कवि कह रहा था कि आदत नहीं है कवि, तो वो बहुत वेरी नाइस पोएट, बहुत टैलेंटेड, और वैसे ही वो जो उनका जो पर्सनल उनकी पर्सनैलिटी थी वो भी ऐसी, यदि आप उनसे बात करें या उनकी अदर देन पॉलिटिकली बात सुने तो, बाकी जो उनके लेक्चर भी हैं वो भी इतने इसीलिए शायद हम लोगों को इंप्रेस कर पाते हैं, अंदर तक छूते हैं, शायद उसमें वो जो लिटरेचर का जो टच है उनको, वो बहुत टाइम तक जाता है उनका, तो वो मुझे छू गया था और मैंने फिर उस पर काम किया। और
गुलजार साहब तो मैंने एक्चुअली गुलजार साहब की मैंने नज़में नहीं पढ़ी थी, उनकी फिल्में देखी थी, उनके गाने सुने थे कि क्या वंडरफुल राइटर हैं, क्या गाने लिखते हैं। और मतलब आप उनका पहला ही गाना सुनिए, मेरा गोरा रंग ले ले मुझे शाम रंग दे दे, क्या मतलब एज मुझे था लगा आपका, आपका एज क्या था? मतलब मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, गुलजार प्यार आपका एज क्या था? हाँ गुलजार साहब के साथ जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब मैं आई थिंक 25+ इतनी उम्र थी मेरी। सही सही टाइम था। आप साहब के साथ किया तो मैं छोटा था थोड़ा, तो गुलजार साहब के साथ 26-27 सॉरी इतना मेरा एज था जब मैंने काम शुरू किया था, उनसे बातचीत शुरू की, उनको चिट्ठियां लिखी। तो वो मेरे एक दोस्त हैं, उनके घर में एक किताब थी पुखराज, वो पुखराज किताब मैं पढ़ रहा था और वो नज़में मैंने उनकी फर्स्ट टाइम पुखराज में पढ़ी थी, तो वो वहां क्लिक किया कि अरे ये तो बड़ा कमाल का है, इनके तो गाने या ये तो नज़में तो इनकी बहुत, उनकी जो नज़में हैं वो मुझे बहुत ज्यादा छू जाती हैं, और गाने क्योंकि इतने पॉपुलर हैं सबने सुने होते हैं, नज़म में शायद शायर का ओरिजिनल थॉट होता है, गीतों में वो स्टोरी पे डिपेंड करते हैं बट नज्म उनका प्योर होता है, मीन्स वो नज्में जैसे पेंटिंग होती है वो उनका अपना क्रिएशन होता है, जो तो उनके थॉट में जा रहा होता है, जो उनको छूता है, वो किसी की स्टोरी गाना नहीं होता। तो ये शायद नज्में इसलिए भी आपको ज्यादा सेंसिटिव लगती हैं और ज्यादा डेप्थ में लगती हैं। तो वो जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं उनसे ले आया था वो किताब, और वो किताब लाने के बाद मैंने पढ़ा और फिर उसको परचेज किया, दिल्ली में परचेज किया, तो उसके बाद वो सफर उनके साथ शुरू हुआ और सुपर उन्होंने मुझे सुपर बहुत ज्यादा वक्त भी दिया, क्योंकि वाजपेयी साहब के साथ ये था कि वो पीएम थे, वो चाह के भी टाइम नहीं दे पाते थे, सिक्योरिटी रीजन थे और उनकी जो बिजी लाइफ होती है एज ए पीएम वो सबको मालूम ही है। तो गुलजार साहब के साथ तो मेरी पूरा पूरा दिन मीटिंग होती थी, जब मुझे जब मैंने काम शुरू किया तो पहले मैं मीटिंग करता हूँ कि जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन को, पोइट्री को, थॉट्स को, प्रोसेस को, देन फिर उन पोइट्री पे मैं काम कर पाता हूँ। तो पोइट्री में काम करना सिर्फ ये नहीं कि पोइट्री पढ़ा और बना दिया, उनके साथ डिस्कशन करता हूँ मैं पहले, और फिर आफ्टर डिस्कशन फिर तय करते हैं कि हम किन पोइट्रीज पे काम करेंगे। तो शुरुआती तो मैंने डिसाइड किए थे बट बाद के पोइट्स डिस्कशन के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सही, किन पे काम करना है। बहुत अच्छा आइडिया है। सो बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे हैं जो ब्लैंक हो जाते हैं, याद नहीं आता क्या करना है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। सो यू कैन मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो पोएट है, कविताएं लिख रहे हैं, गुड बैड यू नो सैड। सो यू नो नाउ यू कैन मेक फ्रेंड्स एंड यू नो कम अप विद दिस। बट वेरी वेरी नाइस आइडिया है। मतलब वहाँ इमेजिनेशन है एंड आप उसको यू पेनिंग दैट डाउन, यू पेंटिंग दैट डाउन। सो दैट्स रियली नाइस। सो अभिरामी विवेक जी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गुड वन, थैंक यू फॉर द इनिशिएटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ट टॉक एंड वी हैव कपल ऑफ मोर क्वेश्चन सर। कॉम्प्लीमेंट्स भारती यादव सर, योर पेंटिंग्स आर सो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल बेस्ड एंड सुपर्ब। एंड देन वी हैव राजेश दुग्गल हु सेइंग बहुत बढ़िया, आप बीती जो शोर के रहे हैं, शहर के रहे हैं, आई एम गेटिंग टू नो मोर अबाउट यू, थैंक्स नेहार्ट्स फॉर दी वैल्यूबल इंटरव्यू। सो माई अपोलॉजीज फॉर माई हिंदी, आई एम स्लो इन। हाँ राजेश दुग्गल जी, योर डिसेप्शन ऑफ पर्सनैलिटीज इन योर पेंटिंग्स आर फिनोमिनल। नेहा दुआ इज सेइंग ऑसम वर्क। देन सुनील शर्मा इज सेइंग वंडरफुल जॉब, अमेजिंग हाईलाइट एंड शेडो। नेहा दुआ इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग, रियली कैन आइडेंटिफाई योर स्टाइल ऑफ वर्क एंड कनेक्ट टू योर ड्राॅइंग्स। सुनील कोहली, वाव अमेजिंग वर्क। सुनीता अग्रवाल सेज लवली वर्क सर। भारती यादव, यू आर वेरी इमोशनल सर, आई मीन दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। राजेश दुग्गल, योर वर्क्स आर मोर देन पेंटिंग्स, प्लीज डोंट रिफर देम टू एज ड्राॅइंग्स। सो शीतल नंदन जी पूछ रहे हैं सर, आपको
बठिंडा सिटी से गए हुए 20 साल हो गए, 20 साल से ज़्यादा हो गए आपको। वी मिस यू ए लॉट, बहुत याद करते हैं सुरेश सर, गर्ग सर एंड मी एंड योर स्टूडेंट्स। कब आ रहे हैं बठिंडा सिटी दोबारा? प्लीज़ यू विल कम सून। सो नाइस सर। या एक्चुअली मैं पहले केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग भी करता था, ओ वाओ। तो जी तो मेरा ट्रांसफर हो गया था बठिंडा में, तो दिल्ली छोड़ के कहीं बाहर रहना तो इट्स तो डिफिकल्ट फॉर आर्टिस्ट, वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन वहां मैंने एंजॉय किया, बहुत अच्छे लोग थे, अभी भी कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और उनमें से बड़े सारे स्टूडेंट मेरे आर्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज दिल्ली में, अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा एंजॉय किया था मैंने काफी। सुपर। मैं भी केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा था, सो इन वाइजैक। आपको केवी का सबसे बड़ा, व्हाट इज दैट यू लाइक अबाउट केंद्रीय विद्यालय? केंद्रीय विद्यालय में बहुत बहुत कुछ बड़ा अमेजिंग है। एक तो आप जब जाते हो तो पूरा हिंदुस्तान तो उसमें समेटा हुआ है, आप किसी एक पर्टिकुलर उसमें नहीं कह सकते कि ये एक, अगर राजस्थान में है तो आप जाके बिल्कुल राजस्थानी ही हो गए, वहां पे आपके आपको यूपी भी मिलेगा वहां पे, और वो सब चीजें उनकी परफॉर्मेंसेस में आती हैं, जब आप कोई एनुअल फंक्शन करते हो, जब आपके साथ कुछ और दूसरे इवेंट्स होते हैं वहां पे वो दिखता है, वो बड़ा मजेदार है। और ऐसे ही बच्चों में भी है, बच्चे वहां पे एक बहुत, अगर हम कहें कि एक सिपाही का भी बच्चा होता है और एक कर्नल का भी बच्चा होता है, वो सभी एक लेवल्स। बड़ा, हाँ, और सब एक साथ मिलके वो जो वो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और बाकी अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इतने बड़े बड़े प्लेग्राउंड होते हैं और इतना उनके पास स्पेस इतना होता है, उसका भी एक अपना आजकल के स्कूल्स मजा में दैट्स मिसिंग कंप्लीटली। प्ले है। यस एरिया तो आजकल है ही नहीं, मिल ही नहीं रहे। जी स्मिता आयुब, सुपर वर्क समीर जी, एंड एवरी वर्क हैज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। भारती यादव सर, हाउ टू गिव प्रॉपर गाइडेंस टू किड्स टू मेक देयर विजन क्लियर अबाउट पेंटिंग? ये क्वेश्चन है भारती यादव। जी हाँ भारती जी, थैंक यू, आपने पहले भी कमेंट्स किए, काफी अच्छे, शुक्रिया। बच्चों के लिए तो एक चीज होता है कि बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल है, दे आर सो इंटेलिजेंट, और उनके अंदर एक फायर होता है, जो मैं अपने लिए भी कहता था कि हम अपने आप को तलाश रहे होते हैं एक एज में, और शायद वो जो सपोर्ट है जो वो करना चाहते हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना और उनको समझते हुए उनको सपोर्ट करना, बच्चे को सपोर्ट ज्यादा चाहिए, वो कैसे आपको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसके लिए, तो उसके बाद बच्चे का आपको इंटरेस्ट पता चलेगा, वो किस तरफ, अगर उसका आर्ट में इंटरेस्ट है तो वो पक्का शो कर दे, आर्टिस्ट तो लट लेते हैं, आर्टिस्ट तो पहले ही बाकी होता है, आर्टिस्ट ज्यादातर आर्टिस्ट तो लड़के ही बने हैं फैमिली से, चाहे वो फिल्म्स में आप देखें, हमारी पेंटिंग में देखें और हमें देखें या किसी को भी देखें, आर्टिस्ट हमेशा मैं कहता हूँ अपने काम के लिए बाकी होता है, वो उसका पैशन उसको ड्राइव करता है, और वो पैशन अगर बच्चे के अंदर है तो पेरेंट्स को सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए और उनको वो जो फैसिलिटी जितनी हम दे पाए, जितना उनको अच्छा दे पाए, उनको रीडिंग हैबिट हम डेवलप करा पाए, उनके लिए किताबें ला पाए, उनके लिए वो तमाम सहूलियतें जो जो चीजें अदर देन स्कूल होती हैं, स्कूल सिलेबस के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एक रियल लाइफ में एक इंसान को डेवलप करने के लिए जरूरी है, वो उनको प्रोवाइड कराई है। गुड वन, गुड सजेशन आपने जो जैसे बोला, वो पैशन विद इन देम होना चाहिए। हम लोग कितना भी पुश करें एज पेरेंट्स नहीं होगा, बट व्हेन दे आर आस्किंग द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज एम्पावर देम, गिव देम द टूल्स रिक्वायर्ड, एनकरेज देम सो दैट यू नो दे कैन टेक दिस फॉरवर्ड। राजेश जी अगेन बोल रहे हैं, अनडाउटेबली योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड सोनू सूद पेंटिंग इज फैबुलस, स्टेट ऑफ माइंड दैट यू पोजेस, यू आर शेयरिंग योर गिफ्ट्स एंड रिप्रेजेंटिंग आर्टिस्ट। वीना शर्मा सेइंग, थैंक यू सर, सो ब्यूटिफुली यू एक्सप्लेन माई क्वेरी।
Shilpi Jha saying that nice Ajay. And yeah, ये आज पहली बार पता चल रहा है कि आप उत्तराखंड से हो. That's wonderful. This is for Rajesh Dugal ji. बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं. और कुछ सीक्रेट्स आप पूछना चाहते हैं तो अभी पूछिए. मैं आपके ऊपर डाल दूंगा कि ये ऑडियंस ने पूछा था, मैंने नहीं पूछा, तो प्लीज. सुनील शर्मा, लेकिन सर उत्तराखंड पेंटिंग में भी दिखाइए पहाड़, नदियाँ, आसमान, वहाँ के वहाँ का फोक सर. सो आई थिंक आपके पेंटिंग्स में उत्तराखंड के आर्ट भी दिखाएं, सजेस्ट कर रहे हैं, इफ यू कैन शो केस. नाइस ब्रीडिंग अजय सर. आर्ट को आई थिंक ही मेंट समथिंग एल्स. आर्ट को समझने वालों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा. यू आर ग्रेट सर. सो थैंक यू सुनील. सोना जी बोल रहे हैं, यू आर ट्रू आर्टिस्ट. आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ योर सोलफुल आर्ट आर्टवर्क्स. लविंग लिसनिंग योर ब्यूटिफुल एंड टचिंग एक्सप्रेशन ऑफ योर जर्नी. डेफिनेटली बिकॉज सम ऑफ दीज थिंग्स कम वेरी रेयरली. Because we talk a lot about work, but we don't know you as a person. And you know, this entire series is all about you know, knowing the artist well and you know his work and the journey. Alok Majumdar saying very nice Samir, very impressive talk. Ek artist ke liye uski feelings jyada maine rakhti hai ya techniques or thinkings. This is a question from Veena Sharma. सो एक आर्टिस्ट के लिए उसकी फीलिंग्स ज़्यादा मायने रखती है या उसकी टेक्निक्स और थिंकिंग्स? जी देखिए, जब आप फील करते हो तब आप सोचते हो, जब आप सोचते हो तब आप करते हो, टेक्निक करने में आता है. तो ये सब इन सब चीजों का बड़ा अहम रोल है, लेकिन उसमें सीक्वेंस है. तो जब वो सीक्वेंस सही बैठता है, आपने सिर्फ करा, सोचा नहीं, आपने सिर्फ काम किया, आपने हमने सोचा नहीं, सिर्फ काम किया, तो वो परफेक्शन शायद नहीं. कुछ परफेक्शन तो नाम की चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो हम कहते हैं ना कि तंबा जो क्रिएट कर पाते हैं, शायद वो कहीं मिसिंग रह जाता है. तो इसमें कैटेगरी है कि पहले आप उसके सेंसिटिव इतने होते हैं कि आपको कोई चीज असर करती है, सोचते हैं. Superb sir. Others, a lot of compliments coming in. बहुत अच्छी एंकरिंग, या ये कहीं की कंपेयरिंग कर रहे हैं सर आप भी अजय समीर के साथ. बहुत अच्छी एंकरिंग या ये कहीं की कंपेयरिंग कर रहे हैं. सो सॉरी आई डिडंट गेट दैट क्वेश्चन सुनील, बट yeah, help me in English, please. आपकी पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट है बट ब्यूटिफुल होती है, क्या आप सिर्फ चारकोल और वाटर पेपर वर्क ही करते हैं सर? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रेमी कुमारी. आप पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट करते हैं बट ब्यूटिफुल होती है, क्या आप सिर्फ चारकोल और वाटर सॉरी पेपर वर्क ही करते हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटिफुल आपने कहा. दूसरी बात ये, मेरा जो काम है वो चारकोल में नहीं है, ये पेंटिंग है. पेंटिंग है ऑन पेपर, तो सारी जितनी भी इसमें लाइन वर्क है, अगर उसको आप डिटेल में उसको जूम करके देखेंगे तो दिखेगा कि इतना पेंट वर्क. और ब्लैक एंड व्हाइट है ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट दो डिफरेंट कंट्रास्ट है, उसके बीच में मुझे लगता है कि सारी जद्दोजहद है उसके बीच में. तो ब्लैक एंड व्हाइट, आई लाइक ब्लैक एंड व्हाइट. Superb. Next compliment is Bharti Yadav. Very wonderful and amazing interview. It's really awesome. Thank you, Bharti ji. Savita ji ki bol rahe hain, you are a great artist and very kind person. This is from Savita Jitesh Tandale. And Shilpi Jha Bose, Ajay, tumhari painting bahut deep poetry ki tarah hai. Painting banate huye कभी ऐसे महसूस हुआ कि चले कुछ सोचकर और
पहुंचे कहीं और, चले कुछ सोच कर और पहुंचे कहीं और, ऐसा कुछ हुआ क्या आपके पेंटिंग्स में? जब अपनी पेंटिंग से ज्यादा होते हो तो कैसे महसूस होता है? जी जुड़ा होते हो, सॉरी, जब अपनी पेंटिंग से जुड़ा होते हो तो कैसे महसूस होता है? तो देर आर टू क्वेश्चंस, एक तो चले कुछ और सोचकर और पहुंचे कहीं और, सो दिस इज ए क्वेश्चन, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? गुड क्वेश्चन शिल्पी जी, बिकॉज आई हैव नॉट आस्क सच क्वेश्चन कि यू नो ड्रॉ कुछ और करते हुए स्टार्ट किए थे और कुछ और रिजल्ट आया। हाँ एक्चुअली जस्ट मैंने आपको बताया कि मेरा जो आर्ट वर्क है वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो मैं एक जंगल में जाता हूँ जो बाहर से मुझे एक जंगल दिखता है, और जब मैं उसमें एंटर करता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें मिलती हैं उसमें, और उनमें से जो जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उस वक्त उनको पिक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरी एक ड्राइंग जो भी मेरा सब्जेक्ट है वो होता है। तो मैं जहां जाता हूँ मुझे पहले तो पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मैं उसमें एंटर करता हूँ, मतलब जैसे ही मेरे थॉट्स जब स्टार्ट होते हैं तो वो क्लियर होता है, और वो क्लियर होता है लेकिन उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं मुझे जंगल में क्या क्या मिलेंगे और मैं क्या उनको लेके बाहर निकलूंगा, वो बनाते बनाते फिर आप बाहर निकलते हो। सो ऐसा या सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, जब अपनी पेंटिंग से जुड़े होते हो तो कैसा महसूस होता है? पेंटिंग से जुड़े होते हैं तो बिल्कुल वो आप एक मेडिटेशन की दुनिया में होते हो, और उस वक्त आप नहीं होते। तो मुझे तो लगता भी है कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट तब होता है जब वो पेंटिंग बना रहा होता है। जैसे पेंटिंग बन के रेडी होती है और हम पीछे आके चेयर पे बैठ जाते हैं तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है कि ये बनता कैसे। उस टाइम आप व्यूवर हो जाते हो, तो जिस टाइम पेंटिंग हो रही होती है उस टाइम मैं आर्टिस्ट होता हूँ। उस टाइम आप एक साधक होते हो, उस टाइम आप एक जो भी आप कहना चाहो उसको नाम देना चाहो, उस टाइम आप मेडिटेशन में होते हो, उसी वक्त आप अंदर से जागृत होते हो, और बाकी टाइम आप एक नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करते हो। पेंटिंग को भी ऐसे ही देखते हो, आपके बिहेवियर में भी वही चीजें आ जाती हैं। तो पेंटिंग करते वक्त मैं आर्टिस्ट होता हूँ एक्चुअली। सो आपका आपका कॉलेज कैसा था? जो आपके कॉलेज मेट्स थे आपके साथ जो आर्ट करते थे, थोड़े सीनियर्स होते होंगे जिनके आर्ट आपको इंस्पायर करते होंगे, थोड़े जूनियर्स भी होते थे जो आपके मतलब 1-2 साल छोटे थे बट कुछ हटके कर रहे हैं, तो ऐसा यू नो कोई कोलीग्स या यू नो क्लासमेट्स और कॉलेज मेट्स जो फेमस हो चुके हैं और जो आपने सी है कि बहुत आपने देखी है कि बहुत सक्सेस पाया है उन्होंने? मैं इस मामले में बहुत लकी था। मैं जब कॉलेज में गया था तो मेरा फाउंडेशन जो फर्स्ट ईयर था, तो मैं फर्स्ट ईयर में था और हमारे फाइनल मास्टर डिग्री के फाइनल में परेश मेहती साहब, और हाँ जी, और वो इतना बड़ा नाम परेश मेहती आज पूरे वर्ल्ड में वो फेमस, और धर्मेंद्र राठौर मेरे सीनियर थे, वो भी मास्टर्स में थे, विजेंद्र शर्मा मेरे, हम लोग इनसे सीखे हैं कॉलेज में, विजेंद्र शर्मा उन्हीं के बैच में थे, और वो सब मास्टर्स में थे, मैं बीएफए में था, और क्योंकि मुझे वाटर कलर पसंद था तो मेरे परेश मेहती के साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती हुई, तो हम लोग आउटडोर करने साथ जाते थे, हमने कई ट्रिप भी किए साथ, मसूरी ट्रिप और इधर उधर हम लोग जाते थे, और उनका मेरे घर भी आना जाना रहता था। धर्मेंद्र राठौर बहुत बहुत ही सुलझे हुए आर्टिस्ट, बहुत सुलझे हुए इंसान, उनसे वो भी मास्टर्स में थे, वो परेश के जूनियर थे 1 साल, तो उन लोगों से तो ऐसे बड़े सारे ये सीनियर्स थे, और नीरज गोस्वामी वो हमारे टीचर थे, और टीचर्स तो और भी बहुत सारे थे जो जो मुझे इंस्पायर करते थे, धीराज चौधरी और अनुपम सूद मैडम, वो सारी हमारे जगदीश दे साहब बहुत ही नेक इंसान, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, गुप्ता मेरे प्रिंसिपल थे, ओपी शर्मा जी वो मुझे इतना सपोर्ट करते थे, ओपी शर्मा मेरे प्रिंसिपल थे, और उनको एक बार पता चल गई थी कि इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ये जो है मीडिया में भागता के काम करने हैं और फिर कॉलेज आता है, तो मेरी पेंटिंग्स बिकवाते थे कॉलेज से, कॉलेज ओह सुपर, बाहर आता था तो मुझे बुलाते थे, ये बहुत अच्छा लड़का है इसका काम खरीदो, तो मुझे वो बड़ा सपोर्ट करते।
सुपर। और जूनियर अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, सीनियर्स में भी कई थे, जूनियर्स में भी काफी। और वो मेरा लक अच्छा था कि उस टाइम पे वो जो स्प्रिट थी काम की वो इतनी, मुझे तो लगता है बहुत हाई लेवल पे। आपको विजेंद्र शर्मा दिख रहे हैं, आपको परेश मेहती दिख रहे हैं रोज काम करते हुए 10-10 फीट के कैनवस पे, धर्मेंद्र राठौर दिख रहे हैं आपको, ये तमाम लोग दिख रहे हैं रोज काम हो रहा है, धीराज चौधरी स्टूडियो में काम कर रहे हैं, जगदीश डे सर कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। तो वो बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए, और आई एम सो लकी, और मैं सबको आज आपके मन से भी थैंक यू करना चाह रहा हूँ सबको। या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस देखे हैं, इमेटेरियल कौन सा भी इंडस्ट्री हो, कौन सा भी यू नो कैटेगरी ऑफ एजुकेशन हो, थोड़े ऐसे लोग रहते हैं यार इसके बाद करियर कुछ नहीं है, मैंने ये सुना है, मैंने वो सुना है, नेगेटिविटी, बहुत सारी नेगेटिविटी। और थोड़े ऐसे ग्रुप पे रहते हैं 20-30%, मतलब 20-30% मतलब वो नेगेटिविटी स्प्रेड करते रहते हैं, या 20-30% जो अपने काम में लगे रहते हैं ये सब कुछ इग्नोर करते हैं, बाकी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार ये सुनूं या ये काम करूं। बट आई एग्री विथ यू, वो जो पॉजिटिविटी रहती है कि मेरे को बस काम करते जाना है, इन लोग के साथ जब टैग अलॉन करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस यू नो बेटर रहती है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। बट रैगिंग नहीं होती क्योंकि आपको पहले से ही फेम आ गया था, आपके अवार्ड्स आ गए थे, मीडिया में आप शोकेस हुए थे। जब कॉलेज जब ज्वाइन हुए थे तो सीनियर्स ने ये नहीं बताया यार तू तो पहले से ही मतलब हाँ छाया हुआ है मीडिया में, ऐसा कुछ फीडबैक। जी, कॉलेज में बहुत सारे लोग थे जो मुझे जानते थे, और तो उससे मुझे फायदा मिलता था, रैगिंग में भी फायदा हुआ थोड़ा सा, तो इतना मुझे परेशान नहीं किया, वैसे ज्यादा करते नहीं आर्ट कॉलेज में परेशान, बट वो छोटा मोटा भी मुझे उन्होंने कहा कि तो छोटा भाई है इसको कर। सुपर। तो उस जमाने में, अभी भी वो एक मॉडर्न आर्ट गैलरी में एक क्लासेस होती हैं ड्राइंग की, तो उन क्लासेस में मैं 12th क्लास से मैंने जाना शुरू किया मॉडर्न आर्ट गैलरी में जो क्लासेस होती हैं। तो उसमें क्या था कि उसमें कॉलेज के स्टूडेंट भी आते हैं एक्स्ट्रा ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए, मैं भी जाता था, तो मुझे तो सोचते थे थोड़ा मेरी हाइट वगैरह थी तो उनको लगता था ये किसी दूसरे कॉलेज का है, बातचीत होती थी, मैं बताता था मैं 12th क्लास में हूँ अभी। तो ऐसे वो कॉलेज के कई बच्चों से मेरा, जो मेरे सीनियर थे उनसे मेरी जान पहचान थी शुरू से, एक दो टीचर से भी थी जो आते थे वहां पे, तो थोड़ा बहुत था, इतना थोड़ा नहीं था थोड़ा बट। हवा ऑलरेडी था। मैंने सुना है मतलब ये जो अजय समीर नाम है आपका, उसमें खाली अजय कुमार पहले था, समीर आपने बाद में ऐड की थी, तो इसका स्टोरी क्या था? मतलब किसी चाहने वालों ने ये नाम आपसे मतलब ये आपका क्या बोलते हैं पेट नेम चाहने वालों ने लगाया है या आप खुद ने यू वर इंस्पायर्ड बाय दिस नेम? नहीं, ये मेरा तखल्लुस पेन नेम जो है ये मैंने खुद नहीं लगाया था, और मेरे को लगता भी है कि जो आपने जो सबसे बड़ा जो मोटिवेटर होता है वो आप खुद होते हो। मैं जैसे बता रहा था आपको कि मैंने आपको बताया, जिक्र किया था, वो 10th क्लास तक मैं थोड़ा कुछ सिस्टम समझ में आता नहीं था मुझे इतना, जब मुझे थोड़ा क्लियर हुआ कि मुझे आर्ट करना है, थोड़ा थोड़ा सा वो क्लियर था, तो कहीं वो पुरानी चीजों से मुझे थोड़ा सा कोफ्त हो गई थी, तो मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया। उस जमाने में क्या होता था, हम खुद ही चले जाते थे और वहां टीसी फॉर्म भर के अपना टीसी ले लेते थे और दूसरे स्कूल में जाकर एडमिशन ले लेते थे, अपने आप कर लेते थे सारे काम, घर में बताते नहीं थे किसी को। तो मैंने वो स्कूल छोड़ा, दोस्त छोड़ दिए सारे, और मुझे लगा मुझे अब लाइफ में कुछ करना है। तो वो जो एक सेल्फ मोटिवेशन था मेरे खुद से, मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मुझे आप ये जो जितने भी आप घर में सुन रहे हो, और घर के हालात अच्छे नहीं थे एक्चुअली, फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं थे, जिसने मुझे एक दिन मुझे बहुत ज्यादा वो कर दिया था, बहुत डिस्टर्ब कर दिया था, मुझे लगा मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए मुझे। मैंने सब कुछ छोड़ा, दोस्त स्कूल ये सब, और अपना नाम भी मुझे लगा कि अजय नाम भी मुझे इसको भी छोड़ देना चाहिए, तो मैंने एक नाम सेलेक्ट किया, समीर लगाया, उसका मतलब हवा था,
मुझे उस टाइम पे वो बहुत अट्रैक्ट किया उस नेम ने, और मैंने वो नाम लगा लिया। लेकिन उस नेम को लगाने से उस नाम ने मुझे ड्राइव किया। जब आप कुछ खुद से लगाते हो तो आपको प्रूव करना होता है नाम लगाया क्यों है। अब नाम तो लगा लिया, दिक्कत ये थी 10 लोग बोलेंगे अरे तुम ये नाम लगाने से क्या फर्क है। तो वो आपको ड्राइव, कुछ चीजें आपको लाइफ में ड्राइव करती हैं। ये मैंने बहुत बाद में महसूस किया, जो मैंने ये नाम लगाया था उसने मुझे ड्राइव किया, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं उसको प्रूव करने के लिए एक हार्ड वर्क की तरफ जाते हुआ, कोई चीज ऐसी होती है लाइफ में जो आपको ड्राइव करती है, वो चाहे आपकी पैसों की किल्लत हो, चाहे वो कोई कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आ जाए जो आपके अंदर वो जज्बा भर दे, कोई ना कोई चीज होती है। तो फाइनेंशियल तो था कि जिसने मुझे मोटिवेट किया कि खुद को बदलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और वो नाम ने मुझे बहुत ड्राइव किया। और फिर वो नाम सार्थक भी होता गया। मैंने जब स्कूल छोड़ा तो जब मैं दूसरे स्कूल में गया तो वो प्राइजेस मिलने शुरू हो गए, तो वो स्कूल में आप मतलब आदित्य प्राइज, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, उन स्कूलों को वैसे ही प्राइज बड़े कम मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, मेरे टाइम में तो बहुत कम मिलते थे। मैं इकलौता होता था जिसको इतने बड़े बड़े प्राइज और अवार्ड मिलते थे। तो प्रिंसिपल, टीचर्स और सब लोग इतना प्रेज करते थे कि मतलब एक बच्चा से और इधर शिफ्ट होने के बाद स्कूल का हीर हो चुका है। तो वो मेरे लिए वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था अजय टू समीर, दैट वाज मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। क्योंकि आपके लिए अच्छा अगर होगा तो आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कर सकते, अपने दोस्तों के लिए कर, सोसाइटी के लिए कर सकते, एक आप कुछ दे सकते। So, अभी सिग्नेचर क्या है आपका? So, it includes समीर? हाँ, समीर, या। Okay, just समीर। तो मैं समीर होता है, या। लेकिन कहीं, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंटल नेम अभी भी अजय कुमार है। हाँ। क्योंकि उस जमाने में हमें पता ही नहीं था कि वो 10th क्लास में नाम बदली कराना होता है, और फिर 12th में भी, तब मैंने बोर्ड के भी एग्जाम दे दिए और वो मेरा 12th में भी चला गया, और बाद में मुझे लगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मैंने कहा कि नाम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन समीर को लगाए रखेंगे। समीर मेरा खुद का रखा हुआ नाम। देखिए, कभी भी आप देखिए लाइफ में आपने किया क्या, आपकी अचीवमेंट क्या है। देखिए, मेरी अचीवमेंट ये नहीं है कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, इस घर में पैदा हुआ, और मेरे पास जो मेरे को मिला हुआ है विरासत में वो क्या। अचीवमेंट मेरी वो है जो मैंने खुद की है। मेरे को ये अच्छा लगता है कि मैंने नाम भी अपना खुद दिया है। तो मुझे कई बार लगता है कि ये चीजें मुझे पीस देती हैं, ये मेरी अचीवमेंट्स की तरह। True. So, sir, lot of compliments coming for you. Inspirational for all artists. That's from Rajiv Semwal, and अभी पता चला है कि आप अच्छे सिंगर भी हो. So this is a secret getting leaked from Rajesh Dugal. So thanks Rajesh. So he shared a superb version of Pal Pal Dil Ke Paas. Sir, हमें चांस मिलेगा या खाली राजेश के लिए ये गाना है? वो उन्होंने आज वो एक मेरा वीडियो शेयर किया है जो उनके फेसबुक पे, तो लोग वहां जाके सुन सकते हैं राजेश दुग्गल जी के। राजेश जी प्लीज शेयर करिए वो लिंक यहाँ पे, ताकि ये ना जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं वो क्लिक करके सुन सके अजय सर को। व्हेन विल यू पेंट, विल यू बी पेंटिंग आर्ट बेस्ड ऑन हरियाणा? दिस इज फ्रॉम भारती यादव। आप हरियाणा के ऊपर आर्ट कब पेंट करोगे? ये भारती यादव जी पूछ रही हैं। जी, हरियाणा पे ऐसा तो मतलब कोई ऐसा थॉट नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा थॉट दिया है तो फिर जरूर उसमें कुछ, कभी भी ऐसा थॉट बनेगा तो जरूर करेंगे। श्योर। सो रजनी शर्मा, थैंक्स स्नेहा आर्ट्स विच गेव अस अ चांस टू नो यू। You're a true artist as much as a true human being. We can learn a lot from your art journey. So this is from Rajni Sharma. And Suresh Hans, Samir ji, hum aapke kaam ke log saloon se diwane hain. Lekin aaj program
कंपोजर सर ने भी मोह लिया. थैंक सर. सो आई एम एज्यूमिंग इट्स ए कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सुरेश हंस जी. सो संगमेश इज सेइंग सुपर आर्ट वर्क. आलोक इज सेइंग थैंक्स स्नेहा आर्ट्स फॉर स्टेलर इंटरव्यू. आई हैव विटनेस्ड समीज वर्क विद पेन एंड पेपर. The intricate details of praiseworthy and awesome, inspiring. I can hear an echo, sir. Okay. Yeah, thanks, Nehards, and a lot of compliments for you, sir. Excellent questioning. Yeah, sir, aapki ragging hui bhi kya? कभी क्या. आई मीन दिस इज अ क्वेश्चन वी डिस्कस्ड. सो थैंक्स भारती जी. आई मीन वी बाय द टाइम वी डिस्कस्ड यू नो लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स केम इन. सो या इट्स ऑलमोस्ट एन आवर 1 hour 15 minutes. सो वील टेक यू नो वील एंड द शो नाउ. सर आप आर्टिस्ट के लिए बडिंग आर्टिस्ट के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं बिफोर वी क्लोज द शो एंड मे बी लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस आर देयर. मे बी आप ऑफलाइन इनको आंसर अगर आपको टाइम मिला मे बी यू कैन आंसर देम. जरूर. देखिए बडिंग आर्टिस्ट के लिए तो हमेशा एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट. दो तीन बड़ी ऐसी चीजें हैं जो शायद सभी लोग कहते हैं कि एक सबसे पहला सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को रिस्पेक्ट देना, उसके बाद अपने काम को रिस्पेक्ट देना और डेडिकेशन और कंटिन्यूटी. ये कुछ तीन चार चीजें हैं यदि प्रोफेशनली मैं बात कर रहा हूँ. और मैंने ये देखा कि यदि सेल्फ रिस्पेक्ट आता है तो आप दूसरे को भी रिस्पेक्ट देते हो. एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी शायद वही बन पाता है जो खुद के लिए अच्छा होता है शायद. तो ये कुछ पॉइंट्स अगर स्टूडेंट्स जो भी अक्सर बात भी करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आप कंटिन्यू अपने काम को करिए और बड़ी ईमानदारी से करिए और रेगुलर करिए. थैंक यू. थैंक यू अजय सर आज टॉक शो के लिए आने के लिए. एंड थैंक यू स्नेहा आर्ट्स. बिकॉज ऑफ दैट मैं पर्सनली आई एम एबल टू मीट एमिनेंट आर्टिस्ट लाइक यू एंड सी द जर्नी. आई मीन मैं भी ये एनालाइज कर रहा हूँ आर्ट वर्क योर जर्नी एज ए पर्सन सोसाइटी के लिए जो आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सोसाइटी के ऊपर आप एक जो निगाह रख रहे हो कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग द शो एंड ऑल द ऑडियंस हु जॉइन दिस पर्टिकुलर शो. थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेशन. बिकॉज ये पार्टिसिपेशन से हमारा आर्ट टॉक और इंटरेस्टिंग होता है. हमारे क्वेश्चन जब ऐड होते हैं, आप भी नेचुरल क्वेश्चन जब पूछते हो. सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग दिस पर्टिकुलर टॉक एंड एंगेजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. Do anybody who's not seen this particular video, or you have a friend who's an artist who should see this particular video, just share this across to them on WhatsApp so that, you know, when they have time, they can also go through the journey of Ajay Sameer sir. And again, sir, thanks a lot. Lovely journey, awesome talk. Sneha Arts and the Art Talk is very, very, I mean, bahut aabhari hai hum aapke. क्या खास बात है मेरे को नहीं मालूम. सो आज बर्थडे है किसी का. ओह माय गॉड. ओके many many happy returns of the day Dr. Snehalata Prasad. aur bahut bahut mubarakbad aur shubhkamnaen meri aur se aur khub maza aaya talk show ko main regularly dekhti raha hu. thank you so much. okay so agar aaj Sneha ji ka birthday hai to aap unke bare mein kuch ek thoda ek sentence ya ek you know 1 minute maybe you can talk about it and I will talk about my this thing about Sneha ji, what I have seen as a person. Sneha ji. Sneha ji dekhiye itna ek wonderful artist hona ek alag cheez hai aur ek wonderful insaan to wo hain aur saath mein jo contribute kar rahi hain art ko, it's a very big challenge. और इतनी ईमानदारी से और जैसे मैंने बोला कि शिद्दत से कर रही हैं ये सब चीजें,
पैशन उनका दिखता है और इस लेवल पे वो उसने आर्ट को लेके आई है, वेरी बिग थिंग हम सबके लिए ये सीखने को मिलता है। हम लोग भी सभी लोग एक दूसरे से इंस्पायर्ड होते हैं उस चीज को, डेडिकेटेड और बहुत ही सोच जो है वो बहुत आगे सोच रही हैं, वो बहुत आगे का सोच रही हैं, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है उनका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। एंड या आई आई एग्री विथ यू, जो भी मैंने कहने के लिए सोचा था वो सभी आपने कवर किए। आई हैव मेट हर ऑन पर्सन एंड यू नो वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, मैनेजिंग फैमिली, यू नो मैनेजिंग बिजनेस एंड ऑल्सो टेकिंग टाइम, इंश्योरिंग दैट यू नो फैमिली इज स्लीपिंग एंड देन हर डे एज एन आर्टिस्ट स्टार्ट्स एंड यू नो शी वर्क्स लाइक टिल 2 AM एंड देन यू नो अगेन मॉर्निंग बैक टू फैमिली। ऑल दिस इज़ नॉट ईजी। एंड देन इसके ऊपर इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइम, यू यू क्रिएटिंग एन ऑसम आर्ट वर्क इज जस्ट अमेजिंग। सो सो हैप्पी बर्थडे स्नेहा जी। एंड या दिस वॉज केप्ट एज अ सीक्रेट, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू नो वाई, बट या थैंक यू अजय सर फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड टेकिंग टाइम आउट। थैंक्स अ लॉट। ओके, सो आई थिंक शी इज सेइंग इट्स नॉट माई बर्थडे, इट्स मिस्टर प्रसाद्स बर्थडे। ओके, ओ सॉरी सॉरी, मैं यही बताना चाह रहा था। ओके सो सॉरी स्नेहा जी, सॉरी फ्रेंड्स, इट्स सपोज टू बी मिस्टर प्रसाद्स बर्थडे, हु इज अ डॉक्टर। आई हैव नॉट मेट हिम येट, बट आई विल शेयर हिज व्यूज एंड हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रसाद। हैव अ ग्रेट डे अहेड फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू ऑल, थैंक यू।